आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। पिछले दिन हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज हम लोग जानेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में, और इस फार्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन को हम लोग आज कर डालेंगे। तो यार सेक्शन फार्मूला जो होता है ना, इस फार्मूला के मदद से हम लोग दो चीज़ निकाल सकते हैं। पहला, कोई लाइन में कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये चीज़ तुम निकाल सकते हो। सेक्शन फार्मूला के हेल्प से तुम ये चीज़ भी निकाल सकते हो कि एक लाइन में कोई एक पॉइंट है तो वो पॉइंट वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा है, ये चीज़ भी निकाल सकते हो। हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मतलब एक लाइन से सबको बढ़िया समझाने वाला हूँ। तो यार देखो, कोई लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और कोई पॉइंट है सी, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। यार अलग अलग नाम मैं दिया हूँ ना, x1 y1 x y x2 y2, ये अलग अलग नाम है, इसके जगह में कोई नंबर होगा 1 2 3 इस टाइप से, और जो रेशियो है ना यार उसको m1 और m2 हम लोग लिखेंगे। कुछ लोग m और n भी लिखते हैं लेकिन हम लोग m1 और m2 मानेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने में हमें ज़्यादा आसानी होगा, आसानी और समझ में भी अच्छा से आएगा, इसलिए हम लोग m1 और m2 ही मानेंगे ना। तो इससे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो यार फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले तुम जितना भी पॉइंट है ए बी सी सबका कोऑर्डिनेट देख लो और रेशियो भी देख लो। देख लिए, अब मैं तुम्हें एक आसान सा फार्मूला बताऊंगा। यार उसको याद करना नहीं है, बस एक बार समझना है। देखो यार, कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके बीच में एक पॉइंट है सी, तो सी का कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो यार उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, और बाकी वो रेशियो को तो देखना ही है। चलो फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। M1 को x2 से गुना करो, M2 को x1 से गुना करो, मतलब m का 1 होगा तो x का 2 होगा, x का 1 होगा तो m का 2 होगा, इस टाइप से दोनों को गुना करना है और दोनों को जोड़ दो, m1 x2 + m2 x1 ऐसा होगा। उसके बाद बट्टा करो, बट्टा के नीचे m1 और m2 का जोड़ लिख दो, बस। इसको सॉल्व करने से तुम्हारा पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, समझ गए ना यार। इसको तो देखते ही तुम्हें याद हो गया होगा, m1 x2 m2 x1 / m1 + m2, इतना आसान ही तो है यार। x कोऑर्डिनेट के लिए ये है, और y कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सेम टू सेम वही रहेगा, बस x के जगह में y हो जाएगा। हमें y कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकालना है, x कोऑर्डिनेट का नहीं, तो m1 के साथ y2 होगा, m2 के साथ y1 होगा, बट्टा में m1 और m2 का जोड़ हो जाएगा। तो x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया है, लाइट भी कट गया। चलो तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करो। एक लाइन है उसका नाम ए बी है, तो इस लाइन को एक पॉइंट दो रेशियो में बांट रहा है, 2:3 के रेशियो में बांट रहा है, वो पॉइंट का नाम है पी, तो पी का कोऑर्डिनेट बताओ। चलो बताओ यार, तुम सीधे कैलकुलेशन करने मत लग जाना, सबसे पहले तुम्हें मानना होगा। यहाँ तो पॉइंट का नाम दिया हुआ है, अगर वहाँ पर पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ होगा तो पॉइंट का नाम भी पहले मानना होगा कि इसका नाम ये है, अब पॉइंट का कोऑर्डिनेट मानना होगा। चलो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है। अच्छा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -1 और 7 है, तो -1 को x1 मान लेते हैं और 7 को y1 मान लेते हैं, x1 y1। अच्छा, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 4 और -3 है, तो 4 को x2 मान लेते हैं और -3 को y2 मान लेते हैं, समझ रहे हो ना। इसको तुम्हें लिखना होगा, ऐसा ही लिखोगे तब तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो फिर आधा अधूरा दे देगा नंबर, तो यार पूरा नंबर लेना है ना, उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें m2 क्या होगा यार, m2 होगा 3, यहीं पर तो लिखा हुआ है और x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा -1 प्लस m1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 4। यार सीधे पॉइंट जगह देखो ना, इधर लेट टूट किया हो इसको मत देखो, इसको देखने से फिर गड़बड़ा जाओगे, ऊपर देखो सीधे जहाँ पर तुम फोटो वोटो बनाए हो। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा x = 1। चलो इसको मिटा लेते हैं और y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y का कोऑर्डिनेट m2 y1 + m1 y2 / m1 + m2। यार पिछले वाला के क्वेश्चन में m + n किए थे, गड़बड़ाए नहीं ना, m1 + m2 ही होता तो इसके जगह में इसका वैल्यू पुट करो, यहाँ पर से बगल से देख लो और वैल्यू पुट करो सीधे। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जा रहा है 21 - 6। यार प्लस माइनस माइनस ही ना होता है, इसलिए मैंने सीधे माइनस से लिख दिया, तो 5 + 15 x = 1 और y = 3।
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.3। बस बन गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़ा के दे देगा, बढ़ा चढ़ा के तुमको गड़बड़वाने के लिए दे देगा। लेकिन मेरा रहते हुए तुम गड़बड़ा कैसे सकते हो? तीन भाग में बांट देगा, बोलेगा कि एक लाइन सेगमेंट है, वो तीन इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दे देगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट तीन भाग में बांट रहा है ना, तो वो पॉइंट सबका कोऑर्डिनेट बताओ। इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे? तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार। कुछ हार्ड उड क्वेश्चन नहीं है। देखो भैया, तीन भाग में बांटा है तो पूरा को हम लोग तीन मान लेते हैं और एक एक भाग को एक एक मान लेते हैं, समझ रहे हो ना? अच्छा, बीच का पॉइंट को पी और क्यू मान लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो, और पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स भी मान लेते हैं। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट तो मान लेंगे, उसके बाद करना क्या है, कैसे बनाएंगे इसको? बाबू थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। सबसे पहले हम लोग को पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो यार एम टू कितना मानना होगा और एम वन कितना मानना होगा? तो भैया एम वन तो वन हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ए और पी के बीच का डिस्टेंस वन है। उसके बाद देखो पॉइंट पी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? टू है, इसलिए एम टू कितना हो जाएगा? टू। अब तो क्वेश्चन बंद कहीं रहेगा। एम और एन पता चल गया यार, एक्स वन एक्स टू तो वहां पर दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, उसी में से एक्स वन और एक्स टू होगा, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? सेम वही चीज करो जो चीज करके तुम पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाले थे। क्या चीज किए थे? अरे भैया पॉइंट क्यू को देखो, पॉइंट क्यू और पॉइंट ए के बीच में कितना डिस्टेंस है? दो यूनिट का डिस्टेंस है। और पॉइंट क्यू और पॉइंट बी के बीच का कितना डिस्टेंस है? वन यूनिट का डिस्टेंस है। इसके बाद का सॉल्यूशन तो तुम आराम से कर सकते हो। अब एक लाइन सेगमेंट को 50 भाग में बांटे या फिर 1000 भाग में बांटे, तुम उसको आराम से बना लोगे। बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यार। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है बस वही पॉइंट को देखो, बाकी पॉइंट मत देखो, समझ रहे हो ना? अब चलो रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है यार, रेशियो वाला क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा। बोल रहे हैं ना, एक ही फॉर्मूला से बहुत चीज निकलने वाला है। अभी तुम खुश हो जाओगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दिया, चलो इसका सॉल्यूशन निकालो। तो यार कैसे निकाले? अरे भाई कुछ नहीं करना है, बस जो जो लिखा हुआ है वहाँ पर उसका वैल्यू पुट करो। एम वन और एम टू ही ना पता नहीं है, बाकी चीज तो पता है, एक्स टू पता है, एक्स वन पता है, और इसका सॉल्यूशन भी पता है। हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट का ना फॉर्मूला लगाए हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है, माइनस वन। देखो यहाँ पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना चालू करो। एम वन प्लस एम टू आरएचएस की तरफ जाके गुना में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, एम वन इंटू सिक्स सिक्स एम वन हो जाएगा ना, और प्लस एम टू इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री एम टू इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एम वन माइनस एम वन और माइनस एम टू, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब यार M1 को एक तरफ ले जाओ और M2 को एक तरफ ले जाओ, तो 6M1 प्लस M1 और माइनस वन एम टू, इसको पूरा सॉल्व करने से 7M1 इज इक्वल टू 2M2 आता है। अब भैया यहाँ पर देखो, 7M1 को हम लोग 7 इंटू M1 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। और 2M2 को 2 इंटू M2 लिख सकते हैं। हाँ, अरे यार देखो, M1 को इधर भेज दो और 2 को उधर भेज दो, तो इधर से गुना में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, दोनों डिवाइड में हो जाएगा, 7/2 इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन। आया ना भाई, रेशियो मतलब बट्टा ही होता है। एम टू और एम वन का रेशियो 7 और 2 है, तो एम वन और एम टू का रेशियो 2 और 7 हो जाएगा। यार देखो, हम लोग को सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाना पड़ा, वाई कोऑर्डिनेट का तो फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ा। तो रेशियो वाला क्वेश्चन अगर आए ना तो तुम खुश हो जाना, अरे वाह यार कितना सस्ता क्वेश्चन दे दिया है, तुरंत से नंबर कमा लेना। देखो यार, सबसे पहले ना तुम क्वेश्चन को देखना और ये देखना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर पता चला कि सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो एकदम लगा डालना। और एक क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ, एक सर्कल दे देता है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देता है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे देता है, पूछता है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताओ, तो कैसे बताओगे? यार इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक चीज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि सर्कल का जितना भी रेडियस होता है सब इक्वल होता है, इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो 1:1 का होगा। अब पता चल गया, एम वन पता चल गया, एम टू पता चल गया, अब निकल जाएगा, कैसे निकलेगा यार? अरे भैया वही फॉर्मूला में एक बार वैल्यू तो पुट करके देखो। चलो पुट करो, तुम तो एकदम सोचते रहते हो, कम से कम उसको बनाने का कोशिश तो करो। अरे यार इस चीज को देख के तो मुझे एक ट्रिक याद आ गया। क्या ट्रिक है?
चलो यार, पहले मैं वो ट्रिक बता लेता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। मुझे बहुत मन कर रहा है वो ट्रिक तुम्हें बताने का, और वो ट्रिक को तुम एकदम जरूर से यूज करना, ठीक है। देखो यार, कभी भी तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन मिले ना जिसका रेशियो 1:1 है ना, तो उसमें बस एक ही फॉर्मूला लगाना, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2/2। ये फॉर्मूला कैसे आया, चलो मैं बताता हूँ। देखो यार, ये फॉर्मूला ना यही एक्चुअल फॉर्मूला से ही आया है। देखो, रेशियो इक्वल है, इसका मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल होगा। अच्छा भाई, m1 और m2 दोनों इक्वल है तो m2 के जगह भी हम लोग m1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हो, दोनों इक्वल है तब फिर क्या दिक्कत है। अब भैया देखो, m1x2 + m1x1, इसमें m1 कॉमन निकल जा रहा है, और नीचे में भी m1 + m1 2m1 हो गया। m1 नीचे का और ऊपर का m1 दोनों कट गया, तो बचा क्या, x2 + x1/2। फॉर्मूला क्या आ गया, वही आ गया। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला आता है। तो देखो ना, एक ही फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बनता है। लेकिन ध्यान रहे, ये फॉर्मूला सिर्फ उसी में लगाना जिसमें रेशियो 1:1 दिया हुआ रहे, या फिर बोला जाए कि कोई एक लाइन सेगमेंट है उसको दो भाग में, दो इक्वल भाग में बांटा जा रहा है, दो भाग में नहीं, दो इक्वल भाग में। चलो यार, हम लोग नया फॉर्मूला बना ही लिए हैं तो इसका यूज भी कर लेते हैं, चलो यूज करते हैं। तो यार, x + -3/2 = 2, तो 2 इधर चला जाएगा, x - 3 = 4, देन x = 4 + 3, x = 7 आ गया। तो इसी तरीके से तुम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेना, आराम से निकाल लेना। चलो बाय।